अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? सब खैर खैरियत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज FIR कार की जानिब से एक और वीडियो शेयर करना चाहता हूं, जो कि काफ़ी भाइयों को मसला आता है। और माशाल्लाह से पहले आपने बहुत प्यार दिया इस वीडियो पे जो कि मैंने बनाई थी टोयोटा ग्रैंडी के स्पोर्ट्स मोड पे, और काफ़ी भाइयों को नहीं पता था कि स्पोर्ट्स मोड होता क्या है और इसका बेसिक मकसद क्या है, उसको किस स्पीड पर एक्टिव करना चाहिए, किस स्पीड पर होता है या नहीं होता। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को बताएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई टेक्निकली कोई गाड़ी में मसला आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे वहाँ पे वॉइस मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का मसला फ़िक्स कर देंगे। और इसके अलावा फेसबुक पेज है बड़ा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई मसला है तो। आएँ जी, आप वीडियो की तरफ चलते हैं। ये है जी ग्रैंडे 1.8 स्पोर्ट्स मोड वाली, ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स मोड होगा वहाँ पे भाई उसका मेंशन भी किया जाएगा और मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखें जी, ये स्पोर्ट्स मोड लिखा, जब आप इसे दबाएंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड लिखा है। कुछ मॉडलों में लोगों ने ऐसे लगवाए हुए हैं जिनमें नहीं भी हैं, तो स्पोर्ट्स मोड तो लिखा हुआ है। अब दूसरा मसला क्या है जी, अब हम इसको एक्टिव कब कर सकते हैं स्पोर्ट्स मोड को? ये हम अब सिंपल खड़ी है, ठीक है, आप बेशक इसी किसी भी स्पीड पे लगा लें, ये स्पोर्ट्स मोड है, इसको क्लिक कर दें, स्पोर्ट्स मोड एक्टिव हो जाएगा, ये लाइट बनी हुई आएगी। हाँ, किसी कोई जैपनीज हो उसकी कोई लाइट चेंज हो तो वो एक अलग बात है बड़ी, ठीक है। ये हमने इसको डी पे लगाया, इसकी कोई स्पीड की जो है ना स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप 10 पे लगाएँ, 20 पे लगाएँ या 100 पे लगाएँ या 140 या 60, जितने पे भी है इसकी कोई वो नहीं है, कोई स्पीड फिक्स नहीं है। आप बेशक स्टार्ट में ही गाड़ी डी पे लगाते ही आप लगा लें बेशक, ठीक है। ये देखें, अब इसका पहले मैं आपको सिंपल बूस्ट दिखाता हूँ कि सिंपल में इसका क्या मतलब पिक क्या पड़ा आरपीएम पे, और आपने स्पीड पे देखना है और टाइम पे फोकस करना है। ये देखें, अब ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना स्लो उड़ रहा है। आरपीएम देखें कितना अब जाए, गेयर शिफ्ट हुआ है। अब मैं जो है ना आपको इसको स्पोर्ट्स मोड पर करके दिखाता हूँ एक्टिव। ये अब नॉर्मल जैसे हम खड़े करेंगे ना या स्पीड हम कम करेंगे तो आरपीएम इसका तकरीबन 900, 800, 850 के राउंड अबाउट ही आएगा, ठीक है। ये देखिए, अब हमने इसे रोक लिया है तो ये अब इसको स्पीड नॉर्मल जैसे बंद किया तो ये इसका आरपीएम यहाँ पे आए। अब हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे लगाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड पर आपने इसकी पिक देखनी है और आरपीएम देखना है। ये देखें, ये शिफ्टिंग चेक करें, ये देखें, वो पहले 4 पे चला जाता था, अब वो 5-6 के राउंड अबाउट ही जो है ना वो आ रहा है मुसलसल आरपीएम। ये देखें, शिफ्टिंग टाइम चेंज हो गया, शिफ्टिंग टाइम चेंज हो गया, साथ ही साउंड चेंज हो गया। अब हम इसको जो है ना नॉर्मली उस पर चला लेते हैं, मतलब नॉर्मल मूड पे। ये हमने नॉर्मल मूड पे कर लिया, ठीक है, यही को आ गई लाइट। अब देखें, ये देखें स्लो शिफ्ट कर रहा है, ये देखें अब जाके शिफ्ट हुआ है। अब हम इसको दोबारा थोड़ी सी स्लो करते हैं, 100 पे लेके आते हैं, स्पोर्ट्स मोड एक्टिव कर रहे हैं। ये आप देखें, ये देखें, ये जी इसका स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड में आपको फ्यूल एवरेज कभी नहीं मिलती क्योंकि इसकी इकॉनमी लाइट बंद हो जाती है तो ये डायरेक्ट इंडक्शन करती है मोटर। मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। स्पोर्ट्स मोड के फ़ायदे ये हैं कि आपको अगर पिक चाहिए तो फौरन आपको जो है ना बूस्ट मिल जाता है। आपने किसी चीज़ को क्रॉस करना है, ओवरटेक करना है, आपने स्पीड नहीं देखनी, चाहे वो 10 की स्पीड है, चाहे 20 की है, 100 की है, 80 की है, जो भी है, दबाना है और एक्सलेशन करनी है, ठीक है। चाहे वो मैनुअल पे हो, चाहे जिस पे भी हो, स्पोर्ट्स मोड सब पे काम करेगा। ये देखें, आप डी पे लगा दें, कोई इशू नहीं है, दोनों तरफ ही स्पोर्ट्स मोड वर्क करेगा। ना इसकी स्पीड की कोई स्पेसिफिकेशन है, ना ही इसकी जो है ना कोई मैनुअल या ऑटो पे कोई बात की गई है कि ये मैनुअल पे काम करेगा या ऑटो पे नहीं करेगा। ऑटो पे करेगा तो मैनुअल पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आप जहाँ मर्जी इसको लगा लें, चाहे मैनुअल पे लगा लें, चाहे ऑटो पे लगा लें, दोनों पे स्पोर्ट्स मोड काम करेगा। जिस मर्जी स्पीड पे लगा लें, 10 पे लगा लें, 100 पे लगा लें, 120, 30, 40, 50, जितनी भी है, बेशक 200 पे जाके लगा लें, 190 पे लगा लें, चाहे आप गाड़ी को अभी निकाला भी नहीं है, अभी गाड़ी में बैठे गाड़ी को स्टार्ट किया और साथ ही आपने स्पोर्ट्स मोड
बटन दबा दिया वो एक्टिव हो जाएगा, आपकी इको लाइट नहीं जलेगी चाहे वो 10 से 20 तक जाए। हाँ, जब आप स्पोर्ट्स मोड बंद कर देंगे तो ये लाइट भी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है जी। और जो ये स्पोर्ट्स मोड है ना, ये फेस लिफ्ट गाड़ी जिसमें लाइटें चेंज हैं उसमें आई थी, इसके अलावा और किसी में नहीं आई थी। जो अब तक आ रहे हैं उन सब में स्पोर्ट्स मोड है पड़ा फेस लिफ्ट वाले। जो इससे पीछे वाला था 17 मॉडल, 18 के सेंटर में ही ये मॉडल आया था और उसमें जो है ना ये फेस लिफ्ट आए थे, उसमें लाइटें और स्पोर्ट्स मोड और कुछ फीचर और चेंज किए हुए थे। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एयर इंडक्शन मोटर है क्या और किस तरह जो है ना आपको कन्वर्ट करके आपको स्पीड बूस्ट देती है। जिसके अंदर ये लेज़र लाइट वाली है पड़ी ना लाइट, जिसमें ये फेस लिफ्ट, जिसमें ये लाइट है पड़ी, सिर्फ उनमें स्पोर्ट्स मोड आया है, ठीक है। ये देखें, ये जिसमें कैम भी है पड़ा फ्रंट पे, और ये जिसकी लाइट ये भी चेंज है, ग्रिल भी चेंज है, जिसका बम्पर भी थोड़ा चेंज है। ये है जी फेस लिफ्ट जिसमें स्पोर्ट्स मोड आया। और ये नॉर्मली मोटर जो है ना दूसरी ग्रैंडी में भी है, लेकिन इसमें एक फंक्शन है पड़ा इंडक्शन एयर, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो ये अगर नॉर्मली मूड इको मूड पे चलाते हैं तो यहाँ से एयर घूम के, यहाँ से एयर घूम के, यहाँ से घूम के फिर जाके इंजन को मिलती है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स मूड है वो डायरेक्ट यहाँ से एयर आके इसमें आती है, ठीक है। इसका रास्ता बाईपास बंद कर दे, इसका रास्ता बंद कर देती है, इससे एयर डायरेक्ट इंजन में जाती है, मतलब शॉर्टकट बन जाता है। ये यहाँ से इधर आती है, यहाँ से ये इसमें 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 घूम के फिर आगे ट्रांसफर, इससे जो है ना इस मोटर से ये डायरेक्ट इंडक्शन एयर होती है, ये इंजन को दे रही होती है, इंजन फौरन बूस्ट पैदा कर रहा होता है और आपको पिक जल्दी मिल रही होती है और आपको एयर फौरन टाइम से ज़्यादा मिल रही होती है इसको, इसलिए वो पिक बूस्ट हो जाता है, आरपीएम जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, टाइमिंग उसकी चेंज हो जाती है आरपीएम की और हमें पिक मिल जाता है। एक साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे स्पोर्ट्स साउंड होता है ऐसे थोड़ा भारी साउंड हो जाता है स्पोर्ट्स मूड में। ये है जी इंडक्शन मोटर, यहाँ से डायरेक्ट ये आती है, जब स्पोर्ट्स मोड दबाते हैं तो ये रास्ता बंद हो जाता है, बाईपास करते हैं, ये डायरेक्ट शॉर्टकट बना देती है। ये इनटेक वाला जो एयर है वो बंद कर देती है, वैसे वो घूम के जाती है इंडक्शन मोटर से, डायरेक्ट एयर इंजन को मिलती है। ये है जी स्पोर्ट्स मोड का मकसद और इसका काम, वो मैंने आपको पहले बता दी कितनी स्पीड पर एक्टिव होता है, कितने पे नहीं होता, कब करना है कब नहीं करना, मैनुअल पे करते हैं ऑटो पे, सब कुछ मैंने बता दिया। ये है इसका स्पोर्ट्स मोड का बेसिक मकसद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिए, अल्लाह हाफिज़।